हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है। प्रीवियस क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर भी स्टडी किया था, हमने उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने भी अच्छे से सीखा था। तो कई बच्चों ने मुझे कहा था कि सर, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखना है, उसे अच्छे से बताइए। तो मैं आज आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, और मैं बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, 10-15 मिनट में ही एक ट्रिकी वे में बताऊंगा कि इसका एक रूल बताऊंगा, जिसके बाद आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चाहे कितना से बड़ा कोई भी कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत उसको पहचानेंगे, तुरंत उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आज का जो क्लास है उसको जरूर आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए आप। और इतना श्योरली मैं कह दूंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, मैं पहले बोला था ये आपके सिलेबस में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता ही है, इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का आप लेक्चर को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। मैं कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा या किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, आप इस क्लास के बाद तुरंत आसानी से लिख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में आपको किसी भी तरह के कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैं आपको आज कम कम टाइम में एक ट्रिकी वे में बताऊंगा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे बोले थे हम लोग, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली टू इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के मिलेंगे जिसमें काउंटर लाइन क्या हो, पीछे साइड लगे हो, ठीक है, या फिर क्या हो, जनरली कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर ना दिए हो, ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रल मान सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ऐसे मिल सकते हैं जिसमें काउंटर आयन क्या हो, सामने जुड़े हो, ठीक है। तो इन तीनों ही कंपाउंड का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। इन दोनों का इस टाइप से होता है, इसका रूल है, ठीक है, इसका हम लोग बाद में देखेंगे नाम कैसे लिखेंगे। पहले इन दोनों टाइप के कंपाउंड, अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं जिसमें काउंटर आयन पीछे हो, ठीक है, जैसे आप देखोगे कोई भी नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, इस टाइप से काउंटर आयन के फॉर्म में, या फिर नॉर्मल दे दिया हो, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर ना हो। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है Fe CN O और तुम्हारा दिया Cl2, इस टाइप से, ठीक है, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर दिया हो या ना दिया हो कोई जरूरी नहीं है, मान लो यहाँ 2- दे दिया हो, ठीक है, हो भी सकता नहीं भी, तो इस टाइप का एग्जांपल जैसे आयरन का ही ले लेगा, आयरन Fe CO4, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या क्या है रूल। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ सेंट्रल एटम इंग्लिश, ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उनका नाम हम लोग किसमें लिखेंगे, इंग्लिश में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसको रोमन लेटर में लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ काउंटर आयन का नाम, ठीक है, क्लियर है। जैसे हम इसी का नाम लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड हैं 4, तो क्या लिखेंगे, अच्छा, और एक चीज, यह नंबर के लिए अगर एक रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा। उसी तरह ये अगर कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड जैसे हम पढ़ते हैं EN, डाइन, ठीक है, ऑक्सिलेट, ये सभी क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, जिसके डोनर साइट क्या होते हैं, 2 से अधिक, उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, EDTA, ठीक है, ये सब एग्जांपल। तो अगर जैसे हम सबसे इजी एग्जांपल जो देखते हैं, बार बार आते हैं EN, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाई एमीन, क्या है, लिगेंड में ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एथिलीन डाई एमीन, अब लिगेंड में क्या आ रहा है, डाई, और मान लिया जाए कोई कंपाउंड हमको दिया, उसमें यहाँ दिया इस टाइप से, ठीक है, EN2 दिए, तो इसमें भी डाई आ गया। तब उसके लिए जब इस तरह से कोई लिगेंड में दिया हो, कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड केस में,
डाई ट्राई आई इस टाइप से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 20, 2 रहेगा तो 20, 3 रहता है तो क्या बोलते हैं 30, 4 रहता है टेट्राकिल, 5 रहता है क्विनिस, ठीक है पॉलीएंड लिख, जैसे ये 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 20, 3 रहता है तो क्या लिखेंगे 30, 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे टेट्राकिस, इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर होगा। इतना क्लियर है? हाँ तो ये है, तो हम नाम लिख रहे थे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है हम इस कंपाउंड का नाम लिख रहे थे, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 4, तो क्या लिखेंगे 4 क्या बोलते हैं टेट्रा टेट्रा। फिर नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड कौन है साइनाइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग साइनो, टेट्रा साइनो हो गया। फिर नेम ऑफ सेंट्रल एटम इन इंग्लिश, तो क्या है आयरन, टेट्रा साइनो आयरन में बोल सकते हैं, फेरस भी बोल सकते हैं, आयरन हो गया। फिर क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, रोमन लेटर पता है ना, इस टाइप से रहता है 1, 2, 3, 4, इस टाइप से क्या बोलते हैं रोमन लेटर। तो देखो रोमन लेटर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 4 से 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है ये काउंटर आयन है, 2 माइनस है, 2 माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो प्लस माइनस तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये सबको पता है ना, ये जो काउंटर आयन माइनस में है मतलब ये किसको बैलेंस किया होगा, प्लस को बैलेंस किया होगा, मतलब इधर हम लोग 2 प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 4, ठीक है। और लास्ट में काउंटर आयन, क्या काउंटर आयन क्या है क्लोराइड, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ अगर 2 है तो हम लोग डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, काउंटर आयन को नॉर्मली हम लोग क्लोराइड ब्रोमाइड, चाहे वो 2 दिए रहे 3 रहे 4 दिए रहे, उससे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है उसको नंबर काउंट नहीं करना है हमको, जनरली उसका निकल नाम लिख देना है क्लोराइड ब्रोमाइड सल्फेट ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग क्लोराइड, टेट्रासाइन आयरन 4 क्लोराइड। अच्छा देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना सबको, अगर नहीं आता है तो मैं इसका डायरेक्ट नहीं निकाल पाता हूँ, तो एक इसका इजी मेथड बताता हूँ। जैसे ये दिया होता कंपाउंड, ठीक है किसका निकालना है, तो आयरन का तो क्या लिखते हैं एक्स साइनाइड, कितना चार्ज होता है एक साइनाइड में, एक सिंगल माइनस क्या हो जाएगा -1, कितने हैं 4, ठीक है इक्वल टू इधर कितने हैं देखो ये -2 है, और इधर ये भी ये माइनस है, इधर किसमें जाएगा +2 हो जाएगा, 2 माइनस है तो 2 प्लस हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया 0, तो -4 इक्वल टू क्या होगा 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया +4, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 कैसा है पता चला ना, समझ में आया कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सबको आता है इसलिए उसको उतना ज्यादा फोकस नहीं कर हम लोग। तो ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इसका नाम हो गया। समझ गया ना, अभी इसको बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अभी इसका हम लोग रूल केवल देख रहे हैं कि हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो समझ गया। तो हमको पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड इस टाइप का होगा, इस टाइप से होगा तो उसके लिए ये रूल लगेगा। अब इस टाइप के कंपाउंड जिसमें काउंटर आयन क्या हो पहले हो, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो माइनस हो, ठीक है, या तो काउंटर आयन इस टाइप से दिया रहे या फिर कोई कंपाउंड दिया हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में इधर इस टाइप से रहे, ठीक है उसके लिए रूल देखो। उसके लिए रूल क्या होता है देखो, इसके लिए ये अलग से रूल दिया लिख दिया हमें, नेम ऑफ काउंटर आयन सेम है, इसमें काउंटर आयन को उसमें लास्ट में लिखते थे, इधर किधर लिखे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, उसको क्या लिखे नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, यहाँ तक पूरा सेम है, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इन लैटिन, यहाँ का अलग हो जाएगा, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इन इंग्लिश है, यहाँ क्या हो जाता है लैटिन में लिखते हैं, ठीक है किस में लिखते हैं लैटिन। उसके बाद और एक चीज, यहाँ इंग्लिश में लिखने के बाद कुछ ऐड नहीं करते, लेकिन यहाँ लैटिन में लिखने के बाद कौन सा वर्ड यूज करते हैं ऐड, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे
मैं एक कंपाउंड का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे K2PB Cl6। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। अब इसका तुमको क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखो काउंटर आयन कौन है ये। अब इसमें भी जैसे उसमें काउंटर आयन के लिए हमने डाइट्राइने लिखे थे, ठीक है, उसी तरह इसके लिए भी हम लोग डाइट्राइने लिखेंगे। क्या है नॉर्मली ये क्या है, पोटेशियम। तो सीधे से क्या लिखे, नो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेम काउंटर आयन पहले लिखते हैं। तो देखो ये इसी टाइप में है जिसमें काउंटर आयन पहले दिया है, मतलब इसके लिए ये रूल अप्लाई होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, कितना लिगेंड है, 6। पोटेशियम हेक्सा, फिर क्या है, नेम ऑफ लिगेंड क्या है, ये क्लोरो, ठीक है। नेम ऑफ काउंटर आयन इन लैटिन, अब यहाँ अलग हो जा रहा है लैटिन, ठीक है। तो लैटिन के लिए कुछ मेटल को अलग अलग, जैसे जैसे लेड, लेड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लम्बेट, ठीक है। लेड को क्या बोलते हैं, प्लम्बेट। गोल्ड को क्या बोलते हैं, ऑरेट। टीन को क्या बोलते हैं, स्टमनेट, ठीक है। कापर क्या बोलते हैं, क्यूप्रेट। जैसे मैं कुछ कर लिख देता हूँ, आयरन को लैटिन में क्या बोलते हैं, फेरेट। लेड को क्या बोलते हैं, प्लम्बेट। कुछ नॉर्मली तो बहुत कुछ का नॉर्मली होता है, जैसे इंग्लिश में होता है उसी तरह लैटिन में होता है, लेकिन कुछ का थोड़ा अलग हो जाता है, उसी को बता रहा हूँ। गोल्ड का ऑरेट, कापर का क्यूप्रेट, ठीक है। कापर क्या बोलते हैं, क्यूप्रेट। और उसी तरह टीन का बोलते हैं, स्टमनेट, स्टमनेट। तो देखो नेम ऑफ काउंटर मेटल इन लैटिन क्या है, लेट को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लम्बेट, प्लम्बेट। उसके बाद क्या है, प्लम में एट जुड़ गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्लम्बेट हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 6 2 घटेगा कितना आएगा, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ काउंटर आयन नेगेटिव था, तो यहाँ किसको बैलेंस करा था, पॉजिटिव को। अभी पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव, कितने 2+ है, तो इधर किसको बैलेंस करेगा, 2, नेगेटिव को 2+ है इधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2-। अब ऑक्सीडेशन नंबर घटाओ, 6 से 2 घटेगा कितना आएगा, 4, तो क्या आएगा, 4। ये इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लम्बेट 4। क्लियर है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि ये इस टाइप का कंपाउंड है कि ये इस टाइप का कंपाउंड। उसके बाद इसका क्या कह, इसका क्या करना है, तुमको नाम लिख लेना है, ठीक है। पहचान लेते इसका ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग इसका क्या कर सकते हो, तुम नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अच्छा, इसका और एक रूल बता देता हूँ कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड जुड़े हो, ठीक है, एक से ज्यादा लिगेंड जुड़े हो तो उसको किसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे कोई कॉपर पहले थी, N2 ले लिए, जैसे ये कोई कंपाउंड दिया, ठीक है। अब इसका हम लोग को नाम लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो ये किस टाइप का कंपाउंड है, पहले कौन सा रूल लगेगा उसका अप्लाई करेंगे। काउंटर आयन क्या दिया है, सामने दिया है, मतलब ये सेकेंड वाला रूल अप्लाई होगा। तो नेम ऑफ काउंटर आयन क्या होगा, सोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, तो आप देखो यहाँ दो टाइप के लिगेंड होंगे, ये भी और ये भी, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, ठीक है, ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है।
कौन अल्फाबेटिकल पहले में पहले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर को क्या बोलते हैं एक्वा, और इसको क्या है एथिलीन डायमिन। ठीक है, तो एक्वा ए से स्टार्ट हो रहा है, एथिलीन डायमिन ई से स्टार्ट हो रहा है, किसको पहले लिखेंगे इसको, तो क्या होगा डाई एक्वा, इसको क्या होगा देखो ये पॉलीडेंटल लिगेंड है टू है, तो इसको क्या बोलेंगे बिस एथिलीन डाई एमिन। ठीक है, हो गया नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ काउंटर मेटल इन लैटिन कॉपर, कॉपर क्या लिखे थे अभी क्यूप्रेट, क्यूप्रेट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है। ठीक है, ए टू सोडियम टू प्लस, एक सोडियम एक प्लस होता है टू प्लस हो गया, मतलब ये क्या होगा टू माइनस, मतलब कितना हो क्यूप्रेट सेकेंड आयन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो जैसे पहचान सकते हो उसी तरह अगर यहाँ दो अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग किस ऑर्डर में लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और एक कंपाउंड देता हूँ, और एक कंपाउंड देखिए हम लोग, जैसे जैसे ये को कंपाउंड है, ठीक है, तो आप हमको पहचानेंगे सबसे पहले कि ये कौन किस टाइप का कंपाउंड है, तो किस टाइप का कंपाउंड है ये, तो देखो यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं है ना आगे काउंटर आयन है। ठीक है, देखो यहाँ कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, मतलब ये किस टाइप का कंपाउंड होगा इसका। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, यहाँ या जीरो या कोई पॉजिटिव हो सकता था। ठीक है, पॉजिटिव होता तो भी ये इसी का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, प्लस रहे तो भी, मतलब ये किसका हो गया, ये ऊपर वाले का, ऊपर वाले टाइप का कंपाउंड का नाम। नेम ऑफ लिगेंड क्या हो जाता, अब यहाँ भी दो तरह के लिगेंड है, ब्रोमाइड भी है कार्बोनेट। ठीक है, ब्रोमाइड एनायनिक लिगेंड। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आ रहा है, तो क्या होगा टेट्रा ब्रोमो डाई कार्बोनिल, फिर क्या आ जाएगा, क्या आएगा नेम से इंग्लिश में रोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा फोर, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, क्या होगा फोर फोर आयन, ठीक है, काउंटर आयन नहीं है पीछे साइड वाला, तो क्या होगा फोर आयन। ठीक है, समझ गए ना, तो आज हम केवल इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे बस, कल हम क्या देखेंगे इससे इसका कुछ अलग, कुछ अलग मतलब नेक्स्ट लेवल का कुछ कुछ रूल देखेंगे, कैसे हम ज्योमेट्रिकल कंपाउंड का, कुछ ऑप्टिकल कंपाउंड का, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड का, अगर कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड दिए हो, ठीक है, ये मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड कंपाउंड का हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। आज केवल हम इतना कुछ सिंपल कंपाउंड का देखें, जनरली उसका नाम केवल देखें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ सिंपल कंपाउंड रहेगा उसको, कल हम उनको नेक्स्ट लेवल का देखेंगे कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो और कुछ मतलब थोड़े बड़े कंपाउंड हैं उसके लिए क्या क्या और नए रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना क्लियर होगा। मैं क्या करता हूँ कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, दो तीन क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है,
ठीक है, ये तीन कंपाउंड है, इसका आप नाम लिख के मेरे को बताएंगे।